कॉल यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आज के डेट में तीन बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, वो भी तीन अलग अलग विश्वविद्यालय की तरफ से। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमएम एससी एमकॉम कर रहे हैं तो सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरी वाली अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी अपडेट आपको विद प्रूफ शेयर करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इस इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भारत की कोई भी कॉल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम निवेश करते हुए जो आज की पहली बड़ी अपडेट आ रही है उसको आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो आज डेट में पहली बड़ी अपडेट आ रही है, नोटिस के माध्यम से आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर एमएमएससी एमकॉम के सेमेस्टर की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, वाय प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक परीक्षा, मतलब वायवा और प्रैक्टिकल की जो आपकी परीक्षाओं का डेट यहाँ पर आ चुका है। विश्वविद्यालय की तरफ से फाइनली डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, डेट बिल्कुल केयरफुली ध्यान से सुनिएगा, 15 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है इस तारीख से आपकी परीक्षाएं जो है वो कराई जाएंगी। तो आप जाके विश्वविद्यालय से संपर्क करके अपनी जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं और प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं आपकी होने जा रही हैं उसको आप लोग संपन्न करा लीजिए। तो ये पहली बड़ी अपडेट आज की डेट में आ रही है भाई, आपकी प्रैक्टिकल के और वायवा के एग्जाम डेट आ चुके हैं, 15 जून से 15 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। तो ये पहली जो बड़ी अपडेट आज की डेट में आप लोग के लिए आ रही थी, ये अपडेट आ रही है महात्मा ज्योतिबा फुले हेल्थ यूनिवर्सिटी, इनकी तरफ से अपडेट आ रही थी। अब चलिए बढ़ते हैं, जो आज की डेट में आप लोग के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है उसको आपको दिखा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो आज की डेट में आप लोग के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे इस पर कमेंट्स भी आए कि सर हमारी बीए बीएससी बीकॉम और एमएमएससी एमकॉम की जो सेमेस्टर की परीक्षाओं का रिजल्ट है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने आपको अपडेट शेयर कर रखी है, बट अभी तक आपने उस अपडेट को नहीं देखी है, तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि भाई आपके जो रिजल्ट है आपको जिस दिन लास्ट डेट आपकी परीक्षाएं हुई थी उस दिन आप 30 या फिर 35 दिन आप ऐड कर लीजिए, ठीक है मैक्सिमम आप 40 दिन ऐड कर सकते हैं, 40 दिन आप ऐड करेंगे तो जो भी डेट आपको मिलेगा 5 दिन पहले या फिर 5 दिन बाद इसी बीच आपके रिजल्ट 100% श्योर आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पहली बात, दूसरी बात ये कि केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जैसी आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग अपडेट आती है या फिर विश्वविद्यालय आपके रिजल्ट जारी करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी अपडेट, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जैसे रिजल्ट की अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो अब बढ़ते हैं, जो आज डेट में आप लोग के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है उसको आपको बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता रखा था कि भाई आपकी तीसरी जो अपडेट होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल केयरफुली ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें कि भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब विदेशी महाविद्यालयों की तर्ज पर वर्ष में 2 बार प्रवेश होंगे, यानी कि यूजीसी ने यहां पर मंजूरी दे दी है। यूजीसी के अध्यक्ष जी ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसका लाभ छात्रों को मिलेगा। जैसे जो छात्र वर्तमान सत्र में किसी वजह से प्रवेश से चूक जाते हैं उन्हें एडमिशन के लिए एक और वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये फाइनली बहुत अच्छी अपडेट आ रही है, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। तो यहां पर मैंने आपको अपडेट शेयर कर दी है कि भाई विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार आपके दाखिले हो पाएंगे। तो ये काफी जानकारी महत्वपूर्ण थी, यहां पर मैंने आपको तीन अलग अलग विश्वविद्यालय की तरफ से तीन बड़ी अपडेट शेयर की है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो अगर आपको तीनों जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भारत के कोई भी कॉल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे इसी तरीके से आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी आपके विश्वविद्यालय से रिगार्डिंग। तो आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए ऑथेंटिक अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।